तो मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थी ध्यान दें, देखिए आपका जो गणित का पेपर था वो यहाँ पे 18 तारीख को होने वाला था, 18 सितंबर को, लेकिन इसको यहाँ पे छुट्टी के रीजन को देखते हुए एक्सटेंड कर दिया गया और आपका यहाँ पे 22 को होगा, ठीक है। तो डेट को आगे बढ़ा दिया गया है जिसके कारण देखिए विद्यार्थियों के पास और भी ज्यादा समय मिल गया है और आपके पास ये सुनहरा अवसर है कि आप गणित में 75 में से 75 अंक यहाँ पे लेकर के आ जाएं। जी हाँ, तो देखिए छात्रों संपूर्ण पेपर मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ और साथ में इसका पीडीएफ भी दे दूंगा सॉल्यूशन का, तो वीडियो अंत तक देखेगा। आप सभी की सहूलियत के लिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए यही क्वेश्चन पेपर जो है सभी 55 जिलों में आपको देखने के लिए मिलेगा, एकदम असली पेपर है। तो छात्रों यहां से हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहां पे देखिए प्रश्न क्रमांक एक हमें दिया गया है, शून्य बहुपद की घात है। देखिए शून्य जो बहुपद है उसकी घात क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए शून्य बहुपद की घात कभी परिभाषित नहीं होती है, घात नंबर आपको लगा लेना है। रैखिक बहुपद है तो देखिए रैखिक का मतलब एक की घात होती है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक की घात कभी दिखती नहीं है तो का नंबर में आंसर सही हो जाएगा। शून्य बहुपद का शून्यक है, तो देखिए शून्य बहुपद का शून्यक हमेशा एक होता है। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष पर मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोनों निर्देशांक जन अक्ष पर मिलते हैं तो वो बिंदु मूल बिंदु कहलाते हैं और उसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इनके बीच की परिमेय संख्या पूछी गई है, यहाँ पे दो संख्या दी गई है, ऋण के 1/5 और ऋण के 2/5 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? तो छात्रों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/10 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छठवां, देखिएगा परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण सदैव क्या होता है? तो देखिए या तो ये शांत रहता है या फिर आवर्ती रहता है, ठीक है छात्रों। इसके बाद आपसे रिक्त स्थान यहाँ पे पूछे गए, तो पहला जो दिया गया है रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? तो छात्रों हमेशा एक होती है, ठीक है, आपको एक भर देना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो छात्रों सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगी, ठीक है, शून्य आपको लगा देना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य। मूल बिंदु के निर्देशांक जैसा कि अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको 0 0 होते हैं, ठीक है, 0 0। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा बहुपद दिया गया इसका शून्य, तो देखिए धन का है ये, यहाँ पे जब पक्षांतर होगा तो ये ऋण का 2 हो जाएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे भरना है ऋण का 2। करणी 6 क्या है? तो देखिए ये जो है एक आपकी क्या है, देखिए करणी के अंदर जो भी संख्या होती है ये हमेशा देखिए क्या होगी आपकी पूर्ण संख्या या पर परिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये क्या होगी अपरिमेय संख्या। करणी 6 क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है, करणी के अंदर जो होती है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या का योग सदैव देखिए क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ठीक है, दो परिमेय संख्या को जब भी आप जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या निकल के योग आएगा। तो छात्रों एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना था, तो देखिए पहला है हमारा ए, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो देखिए ऐसा बहुपद हमेशा रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करणी 2 करणी 8 और यहाँ पे देखिए 6 करणी, यहाँ पे 8 का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए करणी 8 का जब करणी 8 में करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 8 क्या हो जाएगा? 96, ठीक है, तो ये आपको 96 इसमें लगा लेना है, ठीक है, 96 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो देखिए रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसके बीच की परिमेय संख्या फिर से पूछी गई है, तो देखिए परिमेय संख्या जो है आपकी इसके बीच की 3/6 हो जाएगी। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो छात्रों अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या यहाँ पे जो दिया गया है नेक्स्ट, क्या एक परिमेय संख्या है? तो देखिए हाँ एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1/1 एक को लिख सकते हैं, ठीक है। मूल बिंदु के एक्स वाई से दूरी क्या होगी? तो ये एक्स वाई की दूरी का फॉर्मूला आपको बताना था छात्रों। इसके बाद आपसे सही जोड़ियां दी गई हैं और इसके बाद है आपके 70 70। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सभी प्रश्नों के जो मैंने उत्तर बताए हैं उसकी PDF आपको दिखा देता हूँ। तो छात्रों यहाँ से ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्रमांक एक सही विकल्प के उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में खाली स्थान के उत्तर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे यहाँ पे दिए गए हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, और प्रश्न क्रमांक 4 में जो सही जोड़ियों का हमें मिलान करना है वो कुछ इस प्रकार से आप मिलान करेंगे, ठीक है छात्रों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आपसे दिया गया है 70 70, तो मैंने यहाँ पे 70 70 तक आपको दिखा दिया है, देखिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6 आपका दिया गया है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 8 देख सकते हैं। तो छात्रों सभी प्रश्नों का यहाँ पे सॉल्यूशन करा दिया गया है इसी प्रकार से, इस PDF में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इस PDF को डाउनलोड करना सीख लेते हैं अपने मोबाइल में, फिर मैं आपको आगे का पूरा पेपर दिखा दूंगा। तो छात्रों अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है, इसके सॉल्यूशन की PDF को, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे गूगल में आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है, स्टडी नोट्स पीजे आप जैसे ही लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, स्टडी नोट्स पीजे लिख करके सर्च करना है,
तो पहली वेबसाइट आपको देखेगी studynotespj.com, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, studynotespj.com आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए नंबर वन प्लेटफॉर्म एमपी बोर्ड त्रैमासिक पेपर के लिए बना हुआ है अपना। अब अपन जैसे ही नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे हमें एमपी बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, जॉब बाई क्वालिफिकेशन के सेक्शन पे। तो देखिए एमपी बोर्ड वाला जो कॉलम बना है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, चाहता हूँ कक्षा नौवीं, ठीक है, कक्षा नौवीं का हमें चाहिए है गणित का, ठीक है। तो यहाँ से हम गणित पे आएंगे, देखिए गणित गणित का सेट ए हमें चाहिए, ठीक है, गणित का सेट ए। तो गणित के सेट पे हम क्लिक करेंगे, एक पोस्टर दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस पोस्टर पे आपको क्लिक कर देना है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और यहाँ से देखिए आप छात्रों, ये पूरा पेपर असली आपका डला हुआ है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, एकदम असली पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा पेपर जो मैं आपको बता रहा था, देखिए ये पेपर डला हुआ है पूरा, यहाँ पे देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो अभी दिखा रहा था वही पेपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसा कि मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ देने के लिए आया हूँ, तो आपको नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए छात्रों, यहाँ पे आपको टाइमर चलता हुआ दिख रहा होगा, तो आपको एक टाइमर चलने के पहले इस पोस्टर पे क्लिक करना है। देखिए इस पोस्टर में जैसे ही क्लिक करूंगा, तो देखिए डाउनलोड बटन यहाँ पे हरे कलर का डाउनलोड बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, जीमेल चूज करना है और ओके दबा देना है, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन डाउनलोड हो जाएगा। तो छात्रों चलिए अब अपन आगे का पेपर देख लेते हैं, जो पूरा पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक 7 देख लें, आप प्रश्न क्रमांक 8 देख लें, अब आगे दिखा देता हूँ। तो विद्यार्थियों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया ना आपको वेबसाइट पे, वहीं पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जल्दी से आप सारे के सारे प्रश्न जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ओवरव्यू मैं पूरा आपको दे दे रहा हूँ, ताकि आप यहाँ पे गणित में गर्दा मचा दें, ठीक है। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको शेयर करिए, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखेंगे, और जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। तो छात्रों इस प्रकार से आप यहाँ पे संपूर्ण पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, www.studynotespj.com पर जाकर के मैंने आपको पूरी प्रक्रिया मोबाइल में करके दिखा दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।